हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलोकेशन रूल्स क्या होते हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने दो तीन ऐसे वीडियोस बना दिए हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेना मेरे चैनल पे जाकर के। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जनरल जो क्राइटेरियाज थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो सेकेंड मैंने वीडियोज़ बनाए प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली यहाँ जो ये पीडीएफ है, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है सीएस पोर्टल का, वहां से बता रहा हूँ। इसलिए मैं अपने तरीके से, ऐसा और लोगों की तरह नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो होगा वो सब यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। इसका आप 100% एश्योरिटी रखो, क्योंकि जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ऑफिशियल पीडीएफ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं, चीज़ें पता नहीं है। इसलिए हमेशा जो एक चीज़ फॉलो करना चाहिए वो है ऑफिशियल सोर्स। कभी भी ऑफिशियल सोर्स को फॉलो करोगे तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना कोई डाउट होगा। ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली बता देते हैं। कई चीज़ें जो रूल्स है ना, हर साल ही साल बदलते रहती है थोड़ी बहुत, इसलिए जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उसको पढ़ना चाहिए। काफ़ी लोग वही नहीं पढ़ते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हर एक बार जो है ऑफिशियल चीज़ें को ही लेकर बताता हूँ। और अभी भी फिलहाल ऑफिशियल चीज़ों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है, उसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और एलोकेशन रूल्स क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो तो। बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन, एलोकेटेड सीट रेफर्स टू ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम प्लस कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, बी ए ऑनर्स इन साइकोलॉजी एट कॉलेज एक्स इज रेफर्ड टू एज एन एलोकेटेड सीट। मतलब कि जैसे कि आपने प्रेफरेंस वगैरह डाल दिया, उसके बाद आपका फर्स्ट एलोकेशन होगा। तो आपको जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई एक कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर कोर्स जो है वो अलॉट होगा, तो और वहाँ पे वो एलोकेटेड सीट उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आता है यूनिवर्सिटी विल कंसिडर नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्रोवाइड बाय एनटीए टू कैलकुलेट द मेरिट स्कोर्स। तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो एनटीए जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा उसके हिसाब से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो आपको काउंट करेगा स्कोर्स को। नॉर्मलाइज्ड स्कोर काउंट होता है, रॉ स्कोर काउंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द हाइस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू द कैंडिडेट। तो जो भी आप प्रेफरेंस भरिएगा तो सबसे हाइस्ट पॉसिबल जो प्रेफरेंस होगा वही चाहेगा यूनिवर्सिटी आपको देना। जैसे कि जो भी आपका सबसे पहला प्रेफरेंस हो तो वही रहता है, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस चाहेगा यूनिवर्सिटी आपको देना। और उसमें क्या कंसिडर किया जाता है ये भी जान लो। सबसे पहले प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, सबसे पहले आपको उसमें प्रेफरेंस में कंसिडर क्या करता है यूनिवर्सिटी, तो जो ड्यू है वो सबसे पहले तो आपका मेरिट देखता है, जो आपका स्कोर होगा वो देखेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपका कैटेगरी देखा जाएगा। थर्ड नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देखा जाता है। और फोर्थ नंबर पे अगर और कोई रूल अगर उसमें लागू हो रहा है तो वो देखा जाएगा। तो बस ये तीन चार क्राइटेरियाज को देख करके आपका सबसे, और इन सब को देख करके, और जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस बन पड़ेगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें दिमाग में रखिए। सबसे पहला जो है प्रायोरिटी नंबर का है आपके सीयूटी स्कोर का, दूसरा कैटेगरी का कौन सा है आपका, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, एंड चौथा अगर कोई रूल्स अदर रूल्स उसमें लग रहे हैं ठीक है तो वो भी देखा जाएगा। और इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए जो भी हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस होगा आपको वो अलॉट किया जाएगा आपको। ठीक है, द मेरिट लिस्ट फॉर यू आर कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी सीट्स विल बी कम्प्रोमाइज ऑल द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, नो वन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम। इन अदर वर्ड्स, द मेरिट लिस्ट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी विल ऑल्सो इंक्लूड एस सी एस टी ओबीसी एडब्ल्यूएस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, मेरिट में कोई कैटेगरी नहीं देखा गया, मेरिट सबके लिए बराबर है। सेकेंड नंबर पर कैटेगरी वाला आता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू और हैज अप्लाइड अंडर एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी, ये जो दिखा है यहाँ पे, नो कैंडिडेट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूअर कैटेगरी जस्ट बिकॉज द कैंडिडेट्स बिलोंग टू, और कोई भी जो है जनरल कैटेगरी से नहीं एक्सक्लूड किया जाएगा अगर वो अप्लाई किया है तो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कास्ट इज कम्प्लीटली अनलॉफुल। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डज नॉट टॉलरेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कैंडिडेट स्टूडेंट ऑन दिस बेसिस, स्ट्रिक्ट एक्शन विल टेकन अगेंस्ट एनी वायलेशंस। तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपको कि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सही ढंग से होने वाली है, यहाँ पे कोई कैटेगरी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा डू नॉट हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव इशूइंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू द सी एस एस, दे विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन इन द रिलेवेंट कैटेगरी एज क्लेम्ड, डिटेल्स रिलीज टू द कैटेगरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी आर पब्लिश ऑन एस। काफी लोगों के ये भी डाउट आ रहे थे कि भैया ये बताओ कि मेरा जो है डॉक्यूमेंट जो है रेडी नहीं हुआ है ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी या फिर ओबीसी का, और मैं अप्लाई करूं या ना करूं। तो देखो, आपको जनरल में अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपका रेडी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं हुआ, अगर आपका डेट जो जैसे कि ड्यू ने जो वेबसाइट पे बता दिया हुआ है कि हाँ आपको इस डेट से पहले का नहीं चलेगा सर्टिफिकेट, तो उस टाइप के अगर सर्टिफिकेट्स आपके पाए गए तो आपका जो है एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहां पे। ठीक है,
साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, खुद ही आप पढ़ लो, मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, साफ साफ खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी है, अगर उसका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा एलोकेशन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल एससी कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जॉस्ट, देन द रिमेनिंग सीट्स अंडर दिस कैटेगरी फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी एलोकेटेड टू एससी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एसटी कैंडिडेट कैटेगरी का कैंडिडेट है जो कि किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब अब एसटी की संख्या कम पड़ गई, अब तो फिर फर्दर एससी को कंक्लूड किया जाएगा उस कोर्स में। ठीक है, मान लो कि सारे एसटी वाले जो हैं अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी उस कोर्स में एसटी के लिए कुछ सीटें बच रही हैं, और ठीक है तो जो बच रही हैं फिर उसको, अब एसटी तो है ही नहीं, बाकी जो जितने अप्लाई किया उनका तो हो गया, बट और भी उसमें सीट्स खाली हैं एसटी के लिए और एसटी ने अप्लाई नहीं किया है उसके लिए, तो वो सीट को भर दिया जाएगा एससी के। ठीक है, उसी तरह अगर एससी ने भर दिया और उसके सारे एससी ने सीट्स मान लो फिल कर दिया है और किसी और फिर भी वैकेंट हो रहा है एससी के लिए, तो फिर वो ओबीसी में हो जाएगा। इसी तरह ऐसे करके होता है, मान लो एग्जॉस्ट हो जाता है ना किसी कैटेगरी का, तो फिर फर्दर में कन्वर्ट हो जाता है वो, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हो गई, बस ये ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कन्फ्यूजन जो कि क्लियर हो गया हो आप लोगों को, कि अगर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं